everyone, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do something very interesting and I am very excited for that. So मैं अपनी मम्मी की साड़ी को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पहनने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी सुपर फन बिकॉज आई लव वेयरिंग साड़ीज एंड दिस टाइम इस वीडियो में मैं उसको कुछ मॉडर्न टच के साथ पहनने वाली हूँ. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर वेयरिंग साड़ीज इन डिफरेंट स्टाइल्स. सो विदाउट फर्दर डू वी शुड गेट इन टू द वीडियो. सो द फर्स्ट लुक इज गोइंग टू बी अ लहंगा साड़ी. मतलब हम साड़ी को लहंगा में कन्वर्ट करने वाले हैं. सो दिस इज माई टॉप. आई एम वेयरिंग इट एज माई ब्लाउज क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा. क्योंकि अपन सब साड़ियों के पास मेरे पास ब्लाउज नहीं होंगे क्योंकि ये सारी साड़ी मम्मी की है. तो मुझे अपने टॉप्स के साथ ही इनको स्टाइल करना पड़ेगा. सो आई थॉट कि अच्छा होगा अगर हमारे पास फ्लोरल लहंगा हो फ्रॉम अ फ्लोरल साड़ी. तो वॉट यू नीड इज पेटीकोट जो साड़ी के नीचे पहनते हैं. सो यू नीड दिस. पहले इसको पहनना है तो पहले इसको पहन लेते हैं. सो ये भी मेरी मम्मी का ही है. तो इसको ना बहुत अच्छे से टाई करना है क्योंकि जो भी हमारा साड़ी का पूरा वेट होगा वो इसी के थ्रू संभलेगा अंदर. सो इसको हम अंदर कर देते हैं एंड इट विल लुक लाइक दिस. तो मेरा ही ना एक मैश टॉप है जिसको आई एम वेयरिंग इट एज अ ब्लाउज. ये फुल है बट आई जस्ट क्रॉप्ड इट ताकि ये ब्लाउज लगे. फुल स्लीव्स का है. सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट द साड़ी. ये वाली साड़ी है जिसको मैं यूज करके लहंगा बनाने वाली हूँ. इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉर्नर लेना है साड़ी का और ऐसे उसको यहाँ से टक इन करना है कॉर्नर से इस तरफ से. ठीक है, अब हमें छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है ऐसे एंड इसको भी टक इन करना है. फिर दोबारा से प्लीट्स बनानी है और इसको भी टक इन करना है. ठीक है, तो हमें ना पूरा ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करना है यहाँ तक. सो प्लीट्स बनाओ एंड उसको टक इन करो. बहुत सिंपल है, बस ऐसे प्लीट्स बनानी है देन टक इट इन. सो दिस इज द लास्ट प्लीट दैट आई एम डूइंग. हमने पूरा टक इन कर लिया है ऐसे. अब ये जो पूरा साड़ी का पल्लू होता है इसको ड्रेप करना है ऐसे और इसको यहां से टक इन करना है. सो आई एम रेडी विद माय आउटफिट. लेट्स सी हाउ इट लुक्स. तो इसके लिए व्हाट यू नीड इज वेयर योर हील्स. सो मैंने अपनी हील्स पहन ली है एंड आई गॉट माय साड़ी. अब आपको क्या करना है, ओपन दिस एंड इसको ना हम एक इंडो वेस्टर्न लुक देंगे. सो टेक अ कॉर्नर, मतलब साड़ी का एक कॉर्नर लो जहां से आप स्टार्ट करोगे एंड टक दिस इन मिडल से. मतलब एक लेग को छोड़ देना पूरा और फिर दूसरा लेग कवर करना और इसको यहां से टक कर देना. अब जो हमने फर्स्ट लुक में किया था ना कि जो हमने प्लीट्स बांधी थी वही सेम प्रोसेस करना है हमें सिर्फ इस साइड. सो ऐसे एक प्लीट लेनी है, टक दिस इन. ऐसे एक प्लीट बनानी है, टक दिस इन. यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है. बस ये ध्यान रखना कि जो आपका ये वाला लेग है ना इस पे बिल्कुल भी प्लीट शुरू ना हो, वो सेकंड लेग को ही कवर कर रही हूँ. तो जब मेरी यहाँ तक प्लीट्स हो जाएंगी इसको मैं नॉर्मल टक इन करूँगी. मतलब अब पीछे प्लीट्स नहीं बनानी है, इसको बस टक कर लो ऐसे
यहीं तक टक करना है, यहाँ तक टक किया। उसके बाद ये जो पल्लू वाली साइड है ना, इसको आपको फिर से प्लीट्स बनानी है। सो वी आर डन एंड नाउ इट्स टाइम टू सी द फुल लुक। Now I'm wearing a nice balloon sleeve top from one side और एक साइड से ऑफ शोल्डर है। सो अब हम इसको स्टाइल करने वाले हैं एक साड़ी के साथ। सो आई गॉट अ सैटिन साड़ी एंड हम इसको इसके साथ स्टाइल करने वाले हैं एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। सो हम फटाफट इसको ड्रेप कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल साड़ी की तरह ड्रेप करना है इसे। अब हम इसकी प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स बनाने में मैं मास्टर हो जाऊंगी, हर साड़ी में प्लीट्स बनानी है। हो गया, इसको आप टक इन कर दो। सो आई एम रेडी विद माय लुक एंड इफ यू वांट कि आपका ऑफ शोल्डर इस तरफ आए तो आप ऐसा टॉप पहन सकते हो जो इस तरफ से ऑफ शोल्डर हो या स्लीव्स या। बट आई वांट टू शो माय बेल स्लीव्स, इसलिए मैंने जो पल्लू की तरफ ऑफ शोल्डर वाला पार्ट रखा है अपना। सो नाउ लेट्स सी द कंप्लीट लुक। क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई ब्लाउज था एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। सो टू मेक इट इन टू माई स्टाइल, थोड़ा इंडो वेस्टर्न करने के लिए, सो मैं ये वाली जैकेट ऐड करने वाली हूँ। ये जैकेट नहीं है, इनफैक्ट ये कुर्ता था, मेरी मम्मी गई तो मैंने इसको बटन इसके सारे खोल दिए हैं, सो इट लुक्स लाइक अ जैकेट नाउ। तो ये जो इसको वर्क है इसके साथ आई थिंक काफी अच्छे से चलेगा, तभी मैंने ये साड़ी चूज करी है। सो इसको हम इसके साथ पहन लेते हैं। जितना मैंने सोचा था उससे तो काफी अच्छा लग रहा है ये। सो इसको बस थोड़ा ऐसे नीचे करके एंड टाटा, सो इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड ये आप इसको काफी अच्छे से कैरी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत लाइट है। द मटेरियल ऑफ दिस साड़ी इज सुपर लाइट एंड मैं इजीली वॉक कर सकती हूँ इसमें एंड आई कैन मूव इजीली। तो ये बहुत इजी है इसको कैरी करना एंड विद दिस जैकेट, ये आजकल बहुत ट्रेंड में, मैंने काफी एक्ट्रेसेस को ऐसे पहने हुए देखा है। सो इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड ये आपकी साड़ी को ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लुक दे देता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी द फुल लुक।
So guys, this was it for this video. I really hope you liked it. If you did, please give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Bye.